कि कैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया जा सकता है। वो प्रक्रिया हम खुद करेंगे आज, लेकिन उससे पूर्व हम ये भी जानते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड को कौन संभालता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को भी संभालने के लिए बहुत सारे मास्टर्स होते हैं, जिसको कहा जाता है कीपर्स ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स, जो हमारे गाइड्स होते हैं, जो पूर्ण रूप से हमारी आकाशिक रिकॉर्ड्स की रक्षा करते हैं। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास बहुत अच्छी साइकिक पावर्स है, इसीलिए कई बार अपने एस्ट्रल ट्रैवल में, अपने सपनों में देखते हैं कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, वो आपके खुद के बारे में। लेकिन जो लाइन आप पढ़ते हैं, जो शब्द आप पढ़ते हैं, वो पढ़ने के बाद आप उसका इनर मीनिंग समझ नहीं पाते। आपको समझ नहीं आता कि मैंने ये क्या पढ़ा, इसका अर्थ क्या है। तो जब तक हमें सूक्ष्म यात्रा का ज्ञान नहीं आता, या फिर सूक्ष्म यात्रा करना नहीं आता, तब तक हम ऐसी संकल्पनाओं को गहराई से नहीं समझ सकते। आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझने के लिए जरूरत है सूक्ष्म यात्रा को समझने की, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आप सूक्ष्म यात्रा कर पाएंगे। और उसे एक्सेस करने के लिए हमारे पास परमिशन होती है। हमारा आकाशिक रिकॉर्ड्स हम खुद एक्सेस करने की ताकत रखते हैं, और उसके लिए आवश्यक है ऊर्जा। जितना ध्यान हम करेंगे, जितनी ऊर्जा हम अपनी बढ़ाएंगे, उतना ही हमारे लिए आसान होगा सूक्ष्म यात्रा के माध्यम से उन आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना।